लिंगशान, लिंगशान कहाँ हो? लिंगशान, लिंगशान कहाँ हो तुम? लिंगशान। सब लोग चारों तरफ जाओ। जी मास्टर। चलो चलो गुरुजी। चलो मैं आजकल वाशान के लोगों पर नजर रखी जा रही है। ऐसे में तुम्हें क्या करना चाहिए था? मास्टर के नाते मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ उसे खुश रखने की, ताकि कोई गलती ना हो। गुरुजी, मुझसे गलती हो गई। पिंछी के साथ हादसा हुआ है, उसके भाई की हैसियत से क्या तुम्हारी जरा भी जिम्मेदारी नहीं है? क्या तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें यही सब सिखाया है? सुनिए, पहले हमें पिंग जी को ढूंढना होगा। ठीक है माँ। चलो चलो। हमें छोड़ दो। ए लड़की, बहुत कमाल की लग रही हो तुम। मगाओ फेंग, मेरे पिताजी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। युबुकोन, वो वहां नहीं जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, देखो इसे छोड़ दो। शौक से, लेकिन पहले सब बताओ मुझे। मैं तुम दोनों को अभी छोड़ दूंगा। इसे छोड़ दो पहले, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। बच्चे, मुझसे सौदा करने की तुम्हारी उम्र नहीं है, तुम्हारे साथ पुराना हिसाब भी चुकाना है। तुमने मेरे भाई को पकड़ा है, कहाँ है वो? वो नदी में बह गया, मर गया होगा। कमीने! देखो उसे मारना मत। बच्चे, अगर मुंह बंद नहीं रखा तो तुम्हारे मुंह पे यहाँ का नक्शा बना दूंगा, समझे? मैं बताता हूँ। भाई मू, अकेले अकेले सब खाना ठीक नहीं होता। भाई कानगाई, मैं तो बस इन दोनों को तलवार का ठिकाना पूछ रहा था, वो भी आपके लिए। चुप रहो। मकौर, हमें इस हालत से रिहा करो। तो कहाँ है तलवार? जाओ।
पिताजी। तो आज वाशांग का बुरा चाहने वाले आखिर सामने आ ही गए। आ जाओ। बेंग जी, माँ, रुको। पिताजी, पिताजी, भाई मैंने आपको गलत समझा, आपका दिल दुखाया, मुझे माफ कर दीजिएगा। सच में मुझे जीना नहीं है अब। अरे नहीं, रुक जाओ, इसमें तुम्हारा क्या दोष? दोषी तो यू कान घाय है, उसी ने ही सबको फंसा है। चलो छोड़ो। पिंग जी, अब जब ये सुरक्षित लौट आया है तो खुद को मत कोसो। लिंगू, इन दिनों में तुम्हारी बहुत याद आई। मुझे भी चिंता हो रही थी। अब यहाँ कोई दूसरा नहीं है तो लिंगू, भाई जेनान ने तुमसे जो भी कहा है वो पिंगसी को बता दो। गुरुजी, रुकिए, आप दोनों अब मेरे माता पिता हैं, अब आपसे कैसा राज छुपाना? भाई बता दो। पिंगसी, इसे उठाओ लिंगू। गुरुजी ने कहा था आपकी पुश्तैनी चीजें एक पुराने मकान में रखी हैं, पर तुम्हें उन्हें संभाल कर रखना होगा वरना मुसीबतें आएंगी। सिंगयांग लेन का मकान, फिर तो वो शैतानी तलवार भी उसमें होगी। पर मुझे वहां जाने की आज्ञा क्यों नहीं है? ये तो नहीं बताया। गुरुजी, मैं वहां जाना चाहता हूं। तलवार श्रृंखला की बात अब तक सारे दलों में फैल चुकी है। मुझे नहीं पता कितने सारे लोग तलवार पर नजर जमाए होंगे। पिंग जी, पहले तुम वाशान से तलवारबाजी सीख लो अपनी सुरक्षा के लिए, उसके बाद ही जाना। Huh?
कौन है? सामने आओ। भाई तुम भी सलामत हो? मेरे दिल को सुकून मिला, मजा आ गया तुमको देख के। तुम्हारा शुक्रिया करना चाहूंगा दगा देने के लिए। ए, बहाना के मैंने तुम्हें धोखा दिया, मगर वो मेरी गलती थी, माफ कर देना, माफ कर देना। तुम्हारी हरकत की वजह से मेरी जान जा सकती थी, मैं इस बात को कभी नहीं भूल सकता हूँ। सुनो, साथ रहने में हमारी भलाई है। तू बुकान को मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल है, अगर फिर तलवार के पीछे गए तो मुझे डर है कि हम अगली बार नहीं बचेंगे। बात तो बिल्कुल सही है, मगर हम इस तरह से हार भी तो नहीं मान सकते। लीन परिवार की तबाही में तुम्हारा कोई हाथ नहीं था, पर गलती तुमसे हुई है, इसकी सजा तो मिलनी चाहिए। गलती हुई है। तुम में समझ नहीं है, हेंगशांग गुरु का अपमान किया है तुमने। इरादा चाहे कितना भी भला हो, पर तुमने गुरु को ठेस पहुंचाकर पहले स्तर का अपराध किया है जो संगीन है। मैं मानता हूं तुमने टियान बावांग से दोस्ती कर ली है, उसे भाई कहने लगे हो तुम। हमारे दल की परंपरा को देखते हुए यह सही होगा? तुमने दल के नियमों का उल्लंघन किया है जो सातवें स्तर का संगीन अपराध है। पर लियू जेंगफेंग की मिसाल है तुम्हारे सामने, है ना? फिर भी क्या तुम वही गलती दोहराओगे? लिंगो, बुरे का साथ बुरा ही करता है, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। हाँ। वाशांग की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाकर तुमने मुझे बहुत निराश किया है। तुम्हें एक महीने के लिए दल से निकाला जाता है। तुम चट्टान की गुफा में रहोगे। ऐसा ही होगा गुरुजी। पिताजी, भाई अभी लौट आया है, उसे सजा मत दीजिए। चुप रहो। सबको पता चलने दो, वाशांग में आज भी अनुशासन है, व्यवस्था है। चंद्रगांव पीछे रह गया और सामने पर्वत है, वहीं पर पांच जहर का ठिकाना है। जगह तो बहुत है हमें छिपने के लिए, अब तो बस हमें उस राज के बारे में जानना है कि जहरीले दल के पांच लोग कैसे टिके रहे। यहाँ सिर्फ हमारा दल रहता है, कोई आता जाता नहीं, हम अकेले ही। कितने दिन बीत गए, जाओ। पता था कि तुम आओगे।
मैं समझ सकती हूँ कि आप पर काफी बोझ है। शिमेई, लिंगू का अंदरूनी बल काफी बढ़ चुका है, उस वजह से उसका ही नुकसान होगा। उसे दूर करना बेहद जरूरी है। सुनो, पिंगजी की मुश्किलों का हल आज नहीं तो कल मिल जाएगा, पर इस मुसीबत से निपटने के लिए मुझे उस पर जोर तो डालना ही होगा आज, अगर हमारे दल को बचाना है तो। देखिए, आपकी विरासत आखिर उसे ही मिलने वाली है। यहाँ वो ही सबसे काबिल है। वह शान की डोर उसे ही तो संभालनी है, आज नहीं तो कल। मैं भी तो यही चाहता हूं, पर ये सब होने के लिए उसका एक लक्ष्य होना बेहद जरूरी है। तुम तो उसे बहुत अच्छे से जानती हो, बड़ा ही उतावला है वो। इसीलिए मैंने उसे पहाड़ पर भेज दिया है कि उसमें थोड़ा सा ठहराव आ जाए और वो काबिल बन जाए। ये यहां कैसे? कई बार यहां आया, तब तो दिखा नहीं। पूर्वज यहां आया करते थे, क्या पता शायद इसे यहां गुरुजी तय ने लिखा हो। इसमें तलवारबाजी की सीख है। तेज हवा की आहट। ये कैसा सपना आया? मैंने सिर्फ रेन का ही नहीं, लिंगशान का भी अपमान किया है। अरे रुको, क्या तुम खाना लेके जा रहे हो? ये कोई मामूली खाना नहीं है, वो गुफा में है, मेहनत कर रहा है। जी भाई। भाई लिन को तुम सिखा रही हो, अच्छी बात है,
कड़ी मेहनत करूं। सुनो तो, ये उसे जाकर देना। और कुछ कहना है क्या? कुछ भी नहीं, जाओ जाओ, खाना ठंडा हो जाएगा। लिंगशान को मेरी फिक्र है भाई। वो कमीना लिंगपिंग जी हमें कुछ नहीं सिखाता, बस लिंगशान के पीछे रहता है, बड़ा गुस्सा आता है। अरे नहीं, क्यों हमेशा उसे दोष देते हो? तो मैंने कहा ना, तुम्हारा खून नहीं खोलता। मुझे तो लगता है वो अपने लिंगशान को चाहने लगा है। वो कहते हैं ना, डर चोरी से नहीं, चोरों से लगता है। एक ही उम्र के हैं, हंसना खेलना चलता रहता है, तुम भी कहाँ पहुंच जाते हो। सुनो भाई, एक बार तुम्हारा पीना खत्म हो जाए, मुझे सिखाओगे ना? तलवारबाजी? मैं कुछ नहीं सिखाऊंगा, चाहे तो ये लो, मुझे काम है। तुम थक गई होगी, लो इसे पी लो, अच्छा लगेगा। लिंगू चौंग को तो कहीं पैंतरे आते हैं, उसके साथ मजा आता है। मैं तो अभी सीख रहा हूँ, मेरा क्या उससे मुकाबला है। मायूस क्यों होते हो लिंग जी? हाँ, तुम्हें उसका एक पैंतरा सीखना है, बहुत आसान है, तुम्हें मजा आएगा, देखना है। लिंगू चौंग का पैंतरा? मैंने तो नहीं सुना था। हम दोनों ने तैयार किया था, होशान में वही मेरा साथी है। हाँ। तो देखो, पैत्र ये भी सिखाएगी। माता का स्वागत है। राजमाता, आपको देखकर अच्छा लगा, आपकी चिंता हो रही थी। समय, ये सब क्या है? हमें पता चला कि आप यूनान आ रहे हो, इसीलिए तो ये सब तैयारी की है। बाकी कहाँ है? उन्हें लगा कि राजमाता नहीं बची, इसलिए सब चले गए, चारों साथ ही है इस समय। आपको बधाई हो, आपने इतनी सारी मुश्किलें पार की है, इसलिए मैंने आपके लिए खास ये पेय चुना है, लीजिए ना। इसकी गंध तो बहुत तेज है। वो बाव शहद से बनाई गई है, गंध तेज ना हो तो खराब लगेगी।
क्या इसमें तुम्हारे 5 खजाने भी शामिल हैं? इसमें शायद सांप है, कनखजूर, मकड़ी, बिच्छू। और मेढक भी है। आपका भी जवाब नहीं, कितनी जानकारी है आपको। इसमें क्या मिलाया है? राजमाता, आपने क्यों पी लिया इसे? अब ठीक तो है ना? तुमने कुछ अलग मिलाया है, क्यों? मजा आ गया। बाप रे। आप आ गए? बढ़िया काम किया। तो फिर कैसे हो आप लोग? टोंग, तुम यहां कैसे? क्यों किया? देखो तुम नाराज मत होना, ये लड़की बेचारी दिल दे बैठी है मुझे, मुझे अपना सब कुछ मानती है। वैसे इसे ये सब नहीं करना था। मतलब भी जाना पहचाना लगा, जल्दी से वो ब्लैक वुड टोकन दे दो मुझे, मैं फिर छोड़ दूंगा। चलो दे दो मुझे। मतलब बाकी लोग कहाँ हैं? सुनो, जरा उन दोनों को भी यहां लेकर आओ, जाओ। इतना गहरा प्यार तो कोई मासूम लड़की ही कर सकती है, आसान होता है काबू करना, पर तुम्हारी दो बहनें बड़ी जिद्दी निकली। किसने भेजा है तुम्हें? मतलब ये वुयु दल का काम है? तो तुम्हें ऐसा लगा, वैसे उनकी मदद क्यों लेता? तो क्या सूरज और क्या चांद, भगवान दल से तुम्हारा कोई सामना नहीं कर सकता? चलो जल्दी चलो। सुजाता, चलो इनसे तो मिल लिया तुमने, अब टोकन का क्या? पहले इन दोनों को छोड़ दो तुम, तभी दूंगी मैं। हाँ, नहीं। कैसा लगा? चलो इन्हें लेके जाओ।
बताओ क्या तुम सच में तुम्हारे अपनों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख सकती हो? रुको, मैं देती हूँ। क्या तुम ठीक हो? कैसे हो? भाई क्या हो गया? भाई क्या तुम्हें तकलीफ हो रही है? बकवास है, गांव शेन पैतरा सीख रहा था। क्या हुआ, नाराज क्यों? गुरुजी ने डांट दिया क्या? लिंगशान तो पिंगजी को सारे तकनीक सिखा देगी, दिन भर वो साथ साथ रहते हैं, दूर ही नहीं होते। कोई बात नहीं, तलवारबाजी सीख रहे हैं, उसमें क्या? पर मुझे मारोगी तो फिर इसका क्या? ये तो कठपुतली है, ये अगर मर जाएगा तो इसकी आत्मा अपने आप ठीक हो जाएगी। डोंगफंग बुबाए, तुम जानना नहीं चाहते मुझे किसने भेजा है? मैं अकेले ही ढूंढ लूंगा, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है मुझे। तो तुम्हें और जीना है और तुम मुझे मार डालोगे? इस पर यकीन कर लूं? हाँ, कैसे यकीन करूं? समय, 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 उठो समय, क्या हुआ? दूसरी बहन, सोचा को मैंने अपनी बहनों को मार डाला है, मैं नहीं जीना चाहती। समय, 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 ये क्या पागलपन है? समय, 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 उठो ना, समय, 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 आंखें खोलो, समय, समय, Thank you.
तुम यहाँ पर? उसने कहा कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, इसलिए देखने आई। मैं ठीक कैसे रहूंगा? क्या हालत बना ली है? कुछ भी तो नहीं। सुनो ना, अगर मैं नहीं आती तो तुम गुस्सा करते? मैं तुम्हारी जिम्मेदारियां और मेहनत जानता हूँ, गुस्सा क्यों करूँगा? आधा समय अभ्यास करती रहती हूँ और आधा समय तलवारबाजी सिखाती हूँ। अच्छा, तो अब तुम गुरुजी बन गई? वहाँ पर बाकी सब लोगों ने अकेला ही छोड़ा है, तो मैंने सोचा मैं ही उसे सिखाती हूँ। वो बिल्कुल बुद्धू नहीं है, बहुत तेज है वो। तो तुम्हारा मतलब वो जल्दी ही सीख जाएगा? ठीक ही कहा। कल मैंने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया, कहा कि मुझे तलवार चलानी है। तुम नहीं जानते वो कैसा है, तुम कुछ भी बोलो ना, वो 3 शब्दों में ही जवाब देता है। मैंने सुना कि तुमने उसे तलवार भेंट दी। माँ ने कहा कि तलवारबाजी के 13 पैंतरे होते हैं, पर तुम्हारे और लाउद्रो के सिवा किसी को तलवारबाजी आती ही नहीं। लाउद्रो को भी नहीं आती, मुझे नहीं अच्छा लगता। पिंगजी के खानदान में भी तलवारबाजी थी, उसे सीखने में मजा भी आता है। क्या हुआ, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ, तुम नाराज हो गए? नहीं तो रुको, देखो। ओह, तुम्हें बहुत इंतजार था ना, तो आखिर माँ ने ये खास तलवार दे ही दी। माँ ने कहा कि मेरी तरक्की बहुत अच्छी है, तो उन्होंने मुझे जन्मदिन पर यह तोहफा दिया। जन्मदिन को 6 महीने बाकी है, पर तोहफा तो बहुत जल्दी ले लिया। मेरा मजाक उड़ाओगे? मेरी तलवार से सावधान रहना। अच्छा चलो, अब तो तुम्हें सबक सिखाना होगा, आ जाओ मैदान में। ऐसा नहीं है, तुम ऐसा मत सोचो। सच कहो, तुम बहुत बुरे हो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, सुनो तो। लिंगशान, क्या हुआ? क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? उसने मेरी तलवार ले ली और पहाड़ी से नीचे फेंक दी। चलो चलते हैं। ठीक है फिर, हाँ मैं चलती हूँ, वापस आ गए घूम। क्या हो रहा है यहाँ पे, कोई मेला लगा है क्या? आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, आप और गुरु ने तो कसमें खाई हैं, अब क्या हो गया आपको? यहाँ क्या शुरू होने वाला है? तुम ऐसे क्या देख रही हो? हमारी गुरु का बड़ा रुतबा है 5 जहर में, तो आप दोनों की शादी धूमधाम से ही होनी चाहिए ना। हमारी शादी? 3 बहनें जा चुकी हैं, गुरु को सदमा लगा है, अक्सर सिरदर्द होता है। वो अगर खुश हैं तो शादी के लिए, देखिए
आप हमारे गुरु का दिल मत दुखाइए। Yeah!